वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास टेंथ का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2022 का मैथ का क्वेश्चन सॉल्यूशन। बहुत लोग क्या करता है, सिर्फ क्वेश्चन डाल देता है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं बताता है। तो हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे इस वीडियो में, ताकि आपका अच्छा खासा रैंक उठ जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर लीजिए। इस एग्ज़ाम में जो है ना, आपका ज़्यादा नहीं 3-4 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कभी नहीं जाएगा। ठीक, हो सकता है संख्या पद्धति से आएगा, यानी कि HCF LCM आएगा, शांत और शांत आएगा, गुणनफल के रूप में लिखने के लिए आएगा, यही सब आएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण से गुणनखंड आ जाएगा। ठीक, 3-4 चैप्टर से सवाल आएगा आपको। तो इस चैनल पर हम आपको तैयारी करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, इस प्रकार से रहता है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, हम दोनों इस प्रकार से बता रहे हैं कि आप दोनों को हल कर सकते हैं। इसमें हम 3 सवाल लिए हैं। ठीक, गुणनफल के रूप में कैसे लिखना है। ठीक, तो क्या करेंगे, 98 को हम लोग तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 4 दुनी 8, 1 यहाँ 18, 9 दुनी 18, फिर 7 से 7 सते 49। तो ये क्या आ गया, गुणनफल के रूप में 98 बराबर लिखेंगे 2 × 7 × 7, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 7 पावर 2, क्योंकि 2 × 7 है, या 7 को पहले लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 7² × 2। ठीक, यही हुआ गुणनफल रूप। इस प्रकार से आपको ऑप्शन रहेगा वहाँ। ठीक, तो ऑप्शन रहेगा तो घेर देना है, नहीं तो बना देना है अगर दो नंबर में रहे तो। उसके बाद 140 को तोड़ना है। ठीक, हम 3 सवाल दिए हैं आपको समझाने के लिए। 2 तोड़ेंगे, 7 × 2 = 0, 2 तोड़ेंगे, 3 × 2 = 1, बचा 1 यहाँ 10, 5 × 2 = 10, फिर 5 से तोड़ेंगे, 5 × 7 = 35। तो क्या आ गया, 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 है, × 5 × 7, यही हुआ गुणनफल रूप। ठीक, उसके बाद 192 को तोड़ेंगे। ठीक, 2 से तोड़ेंगे, 9 × 2 = 18, 1 बचा, 1 यहाँ देंगे तो 12, 6 × 2 = 12, फिर 2 तोड़ेंगे, 4 × 2 = 8, 1 बचा, 1 यहाँ देंगे तो 16, 8 × 2 = 16, फिर 2 तोड़ देंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, फिर 2 से तोड़ेंगे, 12 × 2 = 24, फिर 2 से तोड़ेंगे, 6 × 2 = 12, 2 × 3 = 6, यानी कि क्या आ गया, 192 बराबर मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 पर पावर 6 × 3, इस प्रकार लिख सकते हो। ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन में घेरा करना है, नहीं तो सब्जेक्टिव में बना देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल लिए हैं, कह रहा है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 1.34 ऐसे लिख लिए, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 1, 2, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पे डबल शून्य आ जाएगा। ठीक, 1 अंक के बाद रहेगा दशमलव तो 1 पे 1 शून्य देंगे। ठीक, इस प्रकार से इसको बनाना है। तो ये हो गया अब 134/100, इसे कटा देना है, 2 से कटाएंगे, 6 × 2 = 12, 7 × 2 = 14, 50 × 1 = 100। अब नहीं कटेगा तो 67/50 लिख देना है। ये ऑप्शन रहा तो ठीक, नहीं तो इसको 50 को भी तोड़ सकते हैं हम ऐसे, 67/2, 5 × 10, 5 × 50, यानी क्या आ गया, 67/5 / 2 × 2, ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत और अशांत पहचानने के लिए हम आपको बताएंगे बिना भाग दिए हुए। ठीक ना, सबसे पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। शांत कब होगा, जब हर के गुणनखंड में 2 पर पावर m × 5 पर पावर n के रूप रहे। ठीक, अशांत कब होता है, अशांत यानी कि हर के गुणनखंड में मान लीजिए 2 पर पावर m आ गया। ठीक, यहाँ आ गया 7 पर पावर n, तो अशांत हो गया, या 5 पर पावर n तो है और यहाँ 3 पर पावर m आ गया, तो सब अशांत हो जाएगा। या तो सिर्फ 2 अकेले रहें, या तो सिर्फ 5 अकेले रहें, शांत होगा, या दोनों एक साथ आ गया फिर भी शांत होगा। पावर m एन जो है इससे कोई मतलब नहीं, पावर 1, 2, 3, 4 ऐबे करता है। ठीक,
अब वही करेंगे यहाँ 13/343 को हम क्या करेंगे, 343 का पहले यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक। गुणनखंड करेंगे तो क्या, 7 से तोड़ेंगे, 7 चौके 28, बचा 6, यहाँ देंगे 63, 7 नंबर 63, फिर 7 7 49, तो हर का गुणनखंड कर रहे हैं हम। हर का गुणनखंड क्या आया, 7 पे पावर 3, 1 2 3, 7 पे पावर 3 आया, तो क्या आया, 7 आ गया ना, तो क्या हो गया, ओ शांत, ओ शांत। अगर सिर्फ 2 आता यहाँ तो शांत होता, या सिर्फ 5 आता तो फिर भी शांत होता, ठीक। तो इस प्रकार से आपको पहचान। चलिए एक और सवाल इसी में से लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताए कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक। इसमें भी वही कह रहा है, शांत या अशांत। क्या है 2/25, इसमें भी हम हर का गुणनखंड करेंगे, यानी कि 25 का 5 25, यानी क्या आ गया, 2/5 पर पावर 2। तो 5 पर पावर 2 आया तो क्या हो जाएगा, इस शांत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम आपको बताए हैं 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में रहे, या तो सिर्फ ई 2 पर पावर m रहे या 5 पर पावर n रहे, क्या हो जाएगा, शांत, ठीक। एक और सवाल लेते हैं इसी में से, ठीक। फिर वही कह रहा है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्या है 17/8, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, यानी कि आ गया 17/2 पर पावर 1 2 3, ठीक। 2 पर पावर 3 आया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 2 पर पावर m के रूप में आया है, ठीक, तो शांत हो गया। चलिए, हमें लगता है कि आप बिल्कुल पूर्ण तरीका से समझ गए होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 0.375 को p/q के रूप में लिखें, ठीक। एक सवाल रहता है जिसमें बार लगा हुआ था, लेकिन इसमें बार लगा हुआ नहीं है, ठीक। तो यानी कि 0.375 है तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, 1 पे 3 0 आ जाएगा, यानी कि हो गया 375/1000, ठीक। अब इसको हमें कटा देना है, ठीक, यहाँ कम आएगा, कटाएंगे 5 से 5 7 35 2 5 25, 5 से इसको 5 2 10, 0 0, ठीक। फिर 5 से कट जाएगा 15 5 75, 5 से कटेंगे 5 चौके 20, 0 1 आ जाएगा, फिर 5 से कटेंगे 5 3 15, 8 5 40, यानी कि क्या आ गया, 3/8, ये 10% प्रसार, ठीक। एक और सवाल आपको बताते हैं बार वाला, जिसमें बार लगा हुआ है, वो p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, ठीक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल अच्छी तरीका से समझाने वाला हूँ, ठीक। क्वेश्चन है, 0.46 पे बार लगा हुआ है, को p/q के रूप में लिखे या रहेगा परिमेय संख्या के रूप में लिखे, ठीक। तो हमें क्या करना है कि देखिए क्या दिया है, 0.46 पे बार लगा हुआ है, ठीक। इसका जब दशमलव उड़ाएंगे तो 1/2 0 आएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। नीचे में इसमें घटाना है 10 के पावर के रूप में, 10 के पावर के रूप में इसलिए घटता है कि जो यहाँ दिया है ना वार लगा हुआ, उसके जेस्ट बगल में देखना है कि कितना अंक है, तो इसके जेस्ट बगल में कोनो अंक न है, न है तो 10 पे पावर 0 देंगे। अगर अंक रहता, मान लीजिए यहाँ 4 3 कुछ रहता, मान लीजिए 4 रहता, तो उसको 1 अंक मानते हैं, ठीक, उसको क्या मानते, 1 अंक, ठीक। और ऊपर में घटाना है जो संख्या इसके बाद दिया रहे, तो इसके बाद कोनो संख्या ने दिया है तो 0 दिया है, अगर यहाँ 3 रहता तो 3 घटाते, ठीक। यहाँ संख्या को गिनती करके घटाना है 10 के पावर के रूप में, और यहाँ जो संख्या दिया है उसी को घटा देना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 46, क्योंकि 0 तो घटेगा ना, 100 घटा 10 पे पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या पावर 0 रहे उसका मान 1 होता है, तो 46/ क्या आ जाएगा, 99, ये आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल इसी में से समझाते, एक और सवाल है कि 0.6 इस पे बार लगा हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे। तो वही 0.6 देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पे 1 0 उतर जाएगा, यानी कि हो गया 6/10। अब यहाँ क्या घटाना है, 10 के पावर के रूप में, तो यहाँ देखना है इसके बगल में कितना अंक है, तो कोनो अंक नहीं है तो 0 देंगे। ऊपर में घटाना है जो इसके बाद इधर संख्या दिया है, कुछ होने दिया है तो 0, यानी कि हो गया 6/10 पे पावर 0 का मान 1 होता है, तो 10 में से 1 घटेगा 9, कट जाएगा 3 2 6 3 3 9, यानी कि 2/3 आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है SCF 306,657 बराबर 9, यानी कि SCF जो है 9 दिया है, इसके प्रयोग से एलसीएम का राय निकालने। ठीक, तो एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि SCF गुना LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, याद रखिएगा। इसी में जब हमको कह दे कि LCM निकालना है तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे SCF आ जाएगा बटे में। ठीक, इस प्रकार से हम LCM निकाल लेंगे। वही कह दे कि LCM दिया है, SCF निकालना है, तो SCF बराबर LCM बटे में चले जाएगा। तो यहाँ हमको क्या दिया है, SCF दिया है, तो LCM निकालना है, और दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो दो संख्या दिया है 306,957 बटे SCF कितना दिया है, 9। ठीक, इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप, किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। 9 से कटाएंगे, 9 तिया 27, बचा 3 यहाँ देंगे, 9 चौके 36, यानी कि क्या बचा, 34 गुना 657। जब ये दोनों को गुना करेंगे जाएगा 22,338, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि 26 और 91 का SCF और LCM ज्ञात करें, यानी कि मोसो और लोसो ज्ञात करें। ठीक, तो क्या करेंगे, 26 और 91 को लिख लेंगे, उसके बाद तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 13 दूना 26, इसको तोड़ेंगे 13 सते 91, यानी कि 26 बराबर आ गया 2 गुना 13, और 91 बराबर क्या आ गया, 7 गुना 13। HCF यानी कि हिंदी में कह सकते हैं मोसो, इतना बराबर जो दोनों में मिले न वही होता है SCF, तो दोनों में सिर्फ 13 मिला। ठीक, बाकी तो नहीं मिल रहा। फिर LCM यानी कि लोसो, लोसो में क्या होता है, जो मिला SCF में उसको पहले लिख लेना है, फिर जो नहीं मिला उसको लिख देना है 2 और 7। जब इस सब को गुना करेंगे 7 182 आ जाएगा, SCF और LCM निकल गया। चलिए एक और सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्या 16 तथा 28 का लोसो 112 है, तो इनका मोसो ज्ञात करें। देखिए, अभी तुरंत जो एक सवाल पहले बताए थे, दो संख्या दिया है लोसो यानी कि LCM दिया है। ठीक, उससे कह रहा है मोसो यानी कि SCF ज्ञात करने। ठीक, उस सवाल में हम LCM निकाले थे, इस सवाल में SCF निकालेंगे। तो हम क्या लिखे थे कि SCF गुना LCM बराबर दो संख्या का गुणनफल। ठीक, तो हमें इसमें SCF निकालना है, तो SCF बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्या का गुणनफल अब बटे में क्या आ जाएगा, LCM। ठीक, यानी कि हिंदी में लोसो जो कहते हैं। ठीक, तो दो संख्या क्या हुआ, 16 गुना 28 गुणनफल यानी गुना बटे LCM यानी कि 112 दिया है। ठीक, अब इसको कटाते 16 सते 72 से 7 चौके 28, यानी कि SCF या मोसो क्या निकल गया, 4 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का SCF ज्ञात कीजिए, यानी कि मोसो ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम एल्गोरिथम जो होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, इस रूप में लाना होता है, जब आर शेष हो जाता है, ठीक, 0, तब हमें बी आंसर हो जाता है। ठीक ना, चलिए अभी हल करके दिखाते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा हम भाग देंगे छोटा से, यानी कि 225 बराबर लिखेंगे 135, यानी कि 135 से इसमें भाग देंगे यहाँ रफ में। ठीक, 225 में एक बार में लगेगा 135, कितना बच जाएगा, 0 9, यानी कि 135 गुना 1 शेषफल जोड़ में देंगे 90, फिर 135 में भाग देंगे। ठीक, काहे कि जब तक कट ना जाए, 90 से देंगे 135 में, फिर एक बार में लगाएंगे, यहाँ 90 उतरेगा 5 4, यानी कि आ गया 90 गुना 1 प्लस 45, फिर 45 से 90 में भाग देंगे, 90 बराबर
यानी कि 45 से 90 में भाग देना है, 45 दूनी 90, ठीक। तो क्या आ गया, 45 गुना 2 और शेषफल यहाँ नहीं कुछ तो 0। जब शेषफल 0 हो गया तो एस सी एफ क्या होगा, 45, यानी कि 45 से शेषफल 0 हो गया, यही एस सी एफ हुआ, ठीक। एक और सवाल लेते हैं, ठीक। फिर कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 और 432 का मोसो निकालें। तो हम क्या करेंगे, सबसे अधिक अंक है 960, इसमें भाग के इससे देंगे 432 से, इधर रफ में लिखेंगे 960 भागा 432, ठीक। इसको जो है भाग लगाना है हमको, ये दो बार में आ जाएगा 864, ठीक। 864 आया तो बच जाएगा 96, यानी कि आ गया 432 गुना 2 जोड़ 96, ठीक। अब 96 से फिर यहाँ 432 में भाग देंगे, यानी कि 96 गुना 96 से 432 में भाग देना है, तो चार बेर में आ जाएगा मेरा 384, ठीक। अभी बच जाएगा 48, ठीक। तो यानी कि चार बार में आया और शेष कितना बचा, 48, ठीक। अब फिर 96 में भाग देंगे, 96 बड़ा 48 से भाग देना है, 48 गुना 96 में दो बार में लग जाएगा 96, यानी कि शेषफल 0, शेषफल 0। जब शेषफल 0 हो गया तो एस सी एफ क्या हो जाएगा, 48, ठीक। यानी कि मोसो 48 निकल गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, आभार गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एस सी एफ और एल सी एम ज्ञात करें। क्या एस सी एफ और एल सी एम निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम पहले भी शुरू शुरू में बताए थे 96 और 404 को तोड़ेंगे। 96 को तोड़ेंगे 2 से, 4 दुनी 8 एक, 8 दुनी 16, फिर 2 से 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, फिर 2 से 12 दुनी 24, 2 से 6 दुनी 12, 2 तिया 6, फिर 404 को तोड़ेंगे 2 से, 2 दुनी 4 0, 2 दुनी 4, फिर 2 से 2 एक 2 0, 2 एक 2, अब नहीं टूटेगा। तो 96 बराबर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 को 2, 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद क्या आ गया, 3, और 404 बराबर क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 101। तो हमें पहले एस सी एफ निकालना है। एस सी एफ में क्या बताएं इसे, दो जो दोनों में मिले, ठीक, 2 को 2 दोनों में मिल गया, यानी कि 2 दुनी 4। फिर एल सी एम में क्या है जो मिला उसको पहले लिख लेना, फिर जो नहीं मिला उस सबको लिखना है। ई दो 3 को 2, उसके बाद 1 को 3, फिर 101, तो 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 16 16 32, अब 32 96 गुना 101 ही आ जाएगा, 96 96 आंसर हो गया। इस प्रकार से आप कोनो सवाल को हल कर सकते हो। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर और भी मैथ का क्वेश्चन सोल्यूशन चाहिए आपको तो कमेंट में वो भी बताइएगा, हम आप लोग को जरूर मदद करेंगे, ठीक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।